मैं मेहर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। अंदर मैं नहीं रह सकता, इससे बेहतर ये मेरे बेहतर नहीं रह सकती। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। मेहर सिर्फ मेरी है। मैं तुम्हें किसी और का होते देख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। ये मौजूदों का मौसम नहीं, जैसे भी हो निभा लेते हैं। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अपनी नहीं बताई। हम सब ने सुना जो आपके साथ हुआ। वजह जान सकता हूँ अगर आप बुरा ना मनाए। बुरा मनाने की क्या बात है, मेरी जिंदगी की हकीकत है। मेरे शौहर और मेरी औलाद नहीं हो सकती थी। उन्हें अपनी औलाद की ख्वाहिश थी, बस यही वजह बनी है लड़की की। बस इतनी सी बात पर अलग हो गई? इतनी सी बात नहीं है, कहना आसान है, गुजरना बहुत मुश्किल। मुझे हमदर्दी है उनके साथ। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर होता तो आप भी इसके अलावा कोई हल नहीं ढूंढ पाते। नहीं, जिंदगी का साथी तो साथी होता है। हमारे मुल्क में इतने यतीम बच्चे हैं, मैं किसी को भी गोद ले लेता। वालेकुम सलाम। सब लोगों से कहो अपना अपना सामान बांधे और अभी और इसी वक्त अपने घरों को जाए। ठीक, फौरन। ठीक, सब लोग सुनो, खामोश। करामत भाई ने कहा है कि अपना अपना सामान बांधो और अपने अपने घरों को जाएं। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी आए, अपना अपना सामान बांधे। आ जाए। अब तो खुश होना जरूर। जी, मैंने आज बड़े अरसे बाद इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। शुक्रिया। शुक्रिया कहकर शर्मनाक ना करो। जिमल में वाकई बदल गया हूं, मेरी रूह तक बदल गई है। गरीबों और मजबूरों को देखता हूं तो रोना आ जाता। कल रात अचानक आंख खुल गई, सलामों की तकलीफ जहन में आई, पूरा घंटा रोता। मैं तालीम के लिए भी कुछ काम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है करामत भाई, बाबा जान की रूह को भी सुकून मिलेगा। हाँ, बस एक मसला है। क्या? जितना भी सुधर जाऊं, आखिर तो इंसान भटक जाने का डर लगा रहता है। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ कर रखें, वो भटकने नहीं देगा। वो तो रखा हुआ है, 5 वक्त की नमाजें हैं, नफली नमाजें हैं, हर वक्त इबादत में ही लगा रहता है, फिर भी भटक जाने का डर नहीं जाता। कुछ नहीं होगा, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। देखें सब कितनी खुशी से गए हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह भी अक्सर इंसानों की सूरत में ही मदद फराहम करता है। बिल्कुल, जैसे कि अगर तुम्हारा साथ हो तो मुझे यकीन है तुम मुझे कभी नहीं भटकने दोगे, जन्नत तक मेरा साथ दोगे। मुझसे शादी कर लो।
मैंने सोचा भी कैसे कि करामत खान बदल जाएगा। आप तो मेरी उम्मीदों से ज्यादा गिरे हुए। हर बार आप मुझे अपनी कमीनगी से हैरान कर देते हैं। कहां से लाते हैं आप ये कमीनगी के नए नए रास्ते? अपने मरे हुए बाप के नाम पर और अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके ये हरकतें करते हुए, ये हुलिया बनाते हुए आपको इतनी से भी शर्म नहीं आती? तुम गलत समझ रहे। मैं वाकई बदल। एक मिसाल है, बहुत घटिया है, लेकिन आप पे फिट बैठती है। आप कुत्ते की दुम है, कभी सीधे नहीं होंगे। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। अपना इंट्रोडक्शन करवाया था आपने कि आप खुद के गुलाम हैं। दिमाग तो आपका खराब है ही, फिर ये दिमाग आपको ऊटपटांग मशवरे देता है और आप इन मशवरों पे चल पड़ते हैं। मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, एहसास से बर्तरी है। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि करामत खान को किसी ने ना कैसे कर दी। एक जहनी मरीज है आप। इलाज करवाए अपना, पहले भी कहा था आपसे। घटिया आदमी। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं इन सलामों को एक बार फिर इनके घरों से निकाल दूंगा। अरे जाएं जाएं, घर से क्या, आप इन सलावों को दुनिया से भी निकाल दें तो मैं आपकी शक्ल भी ना देखूं। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा कहर नहीं देखा। मैं बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। तुम औरत से इज्जत से बात। ओए गुलाम, दौरे पे क्यों काट के चला रहे? तेरी हैसियत कैसे? निकल जाए यहां से, वरना इतना मारूंगा कि कोई करामत भी तुझे बचा नहीं सकेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू, जान से मार दूंगा। भैया क्या हो गया भजन, ये हालत कैसे हुई आपकी? सब अंग्रेजी से चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। भाईजान मैं रुकता हूँ यहीं, जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ। एक मिसाल है, बहुत घटिया है, लेकिन आप पे फिट बैठती है। आप कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम। ये औरत ये सीरियस लोग पागल कर देती है मिसाल। दिमाग माउफ कर देते, खुद को देख। एक बार कई बार शरीर हुआ, लेकिन फिर ये औरत की किचन।
वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा। तेरे में मर्दों वाली बात ही नहीं है करामत खान, मुझे यकीन है तू इन मुझों के काबिल नहीं है। क्या किया तुमने करम का? इस औरत के चक्कर में और कितना दलील करेगा खुद को, कितना दलील करेगा? जुहल को आपको हर बदतमीजी का हिसाब देना होगा। प्यार खत्म, जाओ। ये सारे स्टाम्प पेपर जला देना भाईजान। ये तो जमीन के कागजात हैं। जमीन के कागज नहीं है, रद्दी का ढेर है, मेरे दस्तखत नहीं है इन पे, जला दो। जी भाईजान। और सलाहों से कह दो कि वो अपने घरों में रहे, उन्हें कोई नहीं निकालेगा वहां से, लेकिन घर मालकाना को पे नहीं मिलेंगे। जाओ जाके खुशखबरी सुना दो। वो अशद के घर का क्या करना है? लड़कों को खड़ा कर दो उसके घर के बाहर, हमारी जमीन पे नजर भी आए गोली मार दो उसे। जी भाईजान। जाओ। जमील बीबी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। क्यों? करामत ने सबको रहने की इजाजत दे दी है। जब जमीनें उनके नाम नहीं की तो वो वहां रहने क्यों लगे हैं? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी खेमे में नहीं रहना चाह रहा। ठीक है, फिर रहें अपने हाल में। एक और मसला भी है, सलावू को करामत के किसी आदमी ने भड़का दिया है, वो केस वापस लेने की बात कर रहे हैं। शायद भाई ये लोग अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाहते, इनके लिए मैं क्या करूं? ठीक है, फिर हटा दे सारे खेमे, रहे वो अपने हाल में। ठीक है, मैं हटवा देता हूँ। अशद के घर के बाहर भी 50-60 लड़के जमा हैं, क्या पता उनका क्या प्लान है। मैंने बहुत झूठ बोला, अपना जुर्म छुपाने की कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैं सच बोलने जा रहा हूं। मैं ये जाली नोट बनाता था। मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद यह बात साबित हो गई है कि असद ही जाली नोट बनाता था। यह अदालत असद को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अमजद का इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये अदालत अमजद को बाइज्जत बरी करती है। अमजद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबी। असद का है? हाबीब, उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। भाईजान, वो अमजद जेल से रिहा होके घर आ गया। क्या, कैसे? असद ने इकबाल जुर्म कर लिया है।
अदालत ने उसको उम्र कैद की सजा दे दी है और इसको छोड़ दिया है। इसे कैसे छोड़ दिया है? तेरी तरक्की के बारे में सोच रहा था, तुझे कोई नया काम नहीं देना है, नया मुकाम देना है, ऐसे जैसे मेरा मुलाजिम ना हो, छोटे भाई की तरह। शुक्रिया भैया। इतनी जल्दी शुक्रिया? इतनी आसानी से रुतबे नहीं मिलते, कुर्बानी देनी पड़ती है। एक गुरु होता है, उस गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तुझे इतना बड़ा रुतबा दे रहे, बदले में कोई ना कोई तोहफा तो लेंगे ना? जो हुक्म भैया। बता क्या कर सकता है मेरा भाई बनने के लिए? दुनिया का हर काम। दो लोगों की जान देनी पड़ेगी। अमजद अरशद, शाबाश। मुझे समझ नहीं आ रही असद भाई ने एतराफ़ जुर्म क्यों किया, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? आगे क्या सोचा है? वकील से बात की है, अब केस हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे। आपने क्या सोचा है, अब आप यहाँ तो नहीं रहेंगे? अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे इंतजार था कि शायद सलावों को अपनी बेहतरी का ख्याल आ जाए, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। आपको अब अपने घर जाना चाहिए, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे जरूर बताइएगा। आप तो खुद मुश्किल में हैं। फिर भी मुंह क्यों उतर गया तेरा, डर तो नहीं गया? भाईजान डरता नहीं हूं मैं। फिर भाईजान मैं सोच रहा था हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसी सोचें डरपोकों की होती हैं। बता दे अगर तेरे से नहीं होगा किसी और से करा लूंगा। नहीं नहीं भाईजान, हो तो जाएगा, लेकिन हमारी दुश्मनी तो अशद और अमजद से है, मरना भी उन्हीं को चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक बोरियां तो मंगवा ली हैं जहर की, अगर हम उसको पानी में डाल देंगे अशद और अमजद तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, वो पानी की खोई जिम्मल की है, वहाँ से सिर्फ वो लोग पानी पीते। भजन अगर जिम्मल बीबी ने वहाँ से पानी पी लिया तो और भी अच्छा है, उसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। भजन मैं सोच रहा था पानी के अंदर पानी के जानवर होते हैं, चिरिंद परिंद वहाँ से पानी पीते हैं, हवाओं का चलना, पानी का बहना, ये सब कुदरत का निज़ाम है, और खुदा के निज़ाम में अगर खलल डालेंगे तो खुदा ही हरकत में आएगी, अल्लाह का कहर आएगा। हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, अल्लाह के कहर से नहीं। साफ साफ बोल डर गया तू भाई, तेरे से काम नहीं होता तो बता दे, बंदों की कमी नहीं है मेरे पास। यकीन रखे भाईजान हो जाएगा। यकीन तो है, लेकिन तेरे चेहरे की घबराहट देख के लग रहा है कि ज्यादा देर रहेगा नहीं। देखो अमजद, अब हम सब कुछ खो चुके हैं, तुम्हें किस चीज का खौफ है? मेरे पीछे यहां क्या क्या होता रहा है शुरू से लेकर आखिर तक, सब बताओ मुझे। भाईजान ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है,
ना मैं करामत की बेटी और शीन से मोहब्बत करता और ना आज भाई सलाखों के पीछे हो। रुक जा, इसको वापसी बांध। क्यों अब्दुल्ला भाई? ये अगर पानी के अंदर हमने जहर डाल दिया ना, बहुत सारे बेगुनाह इंसान मारे जाएंगे और ये जानदार भी मारे जाएंगे, इसलिए इसको वापसी बांध। लेकिन भाईजान को क्या कहेंगे? भाईजान को कह देंगे पानी के अंदर डाल दिया था हमने, असर ही नहीं हुआ। सोच ले अब्दुल्ला भाई। सोच लिया मैंने, तो ये बोरी उठा और मेरे साथ आ। तेज आ तेज, दफन भी करनी है इसको। शाबाश, इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे बेखबर रखा। मैं आपसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशद, अशद रुको, नबीला भाभी अशद को रोकिए, खुदा के वास्ते कोई अशद को रोको। अशद, अशद मेरी बात सुनो। अशद, अशद, अशद क्या हुआ? अशद क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अशद मत जा। करामत की वजह से असद भाई को उम्र कैद हो गई, अमजद का ये हाल हो गई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक सेकंड, करामत की तुमसे क्या दुश्मनी है? मैं और शीन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, करामत को इस बात का पता चल गया था। और ये तुम्हें कैसे पता? मुझे अकील ने बताया। करामत ने मुझे अगवा किया, मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे जान से मारने के लिए पहाड़ी से गिरा दिया। जमील और अकील को इस बात का पता चल गया था, उसने उन दोनों को भी पहाड़ी से गिरा कर जान से मार दिया। पहाड़ से गिरा? शायद बाबा जान भी पहाड़ से गिरे थे, का मतलब बाबा जान को छामत पे। मौत का सबसे ज्यादा फायदा करामत को हुआ है, मुझे यकीन है बाबा जान को करामत नहीं मारा है। अशद, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। देखो, मुझे लगता है बाबा जान को भी करामत ने मारा है, लेकिन मैं कानून अपने हाथ में नहीं लूंगी और ना ही तुम। मैं उसे अपने हाथों से मार। नहीं मारोगे अपने हाथों से, अपनी जिंदगी खराब करोगे। पहले ही तुम्हारे दोनों भाइयों की जिंदगी खराब हो चुकी है, होश से काम लो। पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, वकील करेंगे, FIR कटवाएंगे। कानून अपने हाथ में मत लो। अशद, हम मिलकर ये पूरा प्रोसेस करेंगे। करामत को जेल जाना होगा, लेकिन हमें अक्ल से काम लेना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया अभी तक? सब हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे रहते हैं? इतना जुल्म हो गया और पापा जान, मैं वकील साहब को फोन करती हूँ। खबर क्यों नहीं आई अब तक? कौन सी खबर भैया? वही जहरीला पानी पीने से अशद और अमजद गर्क हो गए, असद की बीवी मर गई है। किसी की तो खबर आए? आ जाएगी भैया। पानी में जहर मिलाया था ना? जी जी, पूरी बोरी मिलाई थी। भैया वो खबरी का मैसेज है, पढ़ के सुन। आवाज है भैया। भाईजान को बता दें बुरी खबर है, 3 FIR दर्ज हुई हैं, तस्वीरें भेज रहा हूँ। क्या देख रहा है? FIR है भैया। हाँ तो मर क्यों गया है? मर्दों भाई कटती है FIR है, होंगे वही सलाम है। अपनी जमीन वापस लेने के लिए मर रहे हो? नहीं भाईजान, कत्ल और इकदाम में कत्ल की FIR है। क्या, किसके कत्ल की? अमजद के अगवा और इकदाम में कत्ल की, जमील अकील और बाबा जान के कत्ल की। भाईजान, भाईजान,
तू नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। जेल में सड़ सड़ के मर, नहीं रही। भाईजान, भाईजान, भाईजान कहाँ जा रहे हैं? यहीं रुक, जब तक मैं वापस ना हूं हवेली से जाना नहीं, समझा? यहीं रुक। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, उस दिन तो बच गया, आज कैसे बचेगा? इसकी पिस्तौल गाड़ी में डाल, इसको गाड़ी में डालो, चलो चलो। मुझे लगा करामत भाग जाएगा, मुझे अंदाजा था वो भागेगा, उसका इंतजार कर रहा था घर के बाहर, फैसला कर लिया था मर जाऊंगा लेकिन उसे भागने नहीं दूंगा। फैसला कर लिया था तो मुझे भी बता देते। आपको बताता तो आप साथ आने की जिद करते। आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं? आपको गोली लग जाती तो क्या हो जाता? जान चली जाती। वो तो वैसे भी एक दिन जानी। आपको मेरी कहानी याद है? दो लफ्जों की। हाँ। एक बार पहले भी आया था पहाड़ पर, आप अपने एक कजन के साथ खड़ी थी, शायद उस दिन आपकी शादी की तारीख रखी जा रही थी। बहुत कुछ कहना था लेकिन जब आपको किसी और के साथ देखा तो लफ्ज गुम गए। फिर कभी मिले ही नहीं। आज फिर एक बार लफ्ज ढूंढ कर लाया था लेकिन जब आपकी तरह
देखा तो फिर घूम गए। आपके घुमे हुए लफ्ज आपकी आंखों में पढ़ लिए मैंने। आज कहीं नहीं जाऊंगी, जब लफ्ज मिल जाए तो कह दीजिएगा, लेकिन आज पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। मेरी कहानी ही आप है, आप नहीं तो कहानी नहीं, और अगर आप हो तो ऐसी कहानी जो रहती दुनिया तक जिंदा रहे। उस दो लफ्जों की कहानी का पहला हर्फ भी आप हैं और आखिरी भी। मुझे आशंका काट, मुझे आशंका काट, क्या बहुत बड़े हालात है, मेरे से तो खड़ा नहीं हो जाता है, सब मेरा मजाक उड़ाते हंसते हैं मुझ में, मुझे मारते हैं, मुझे मार निकालो यार, मैं ज्यादा मैं चाहता हूँ कौन दरिंदे आजाद नहीं घूम सकते, वो जन्ने के पीछे रहते हैं हाथ की तरफ। अब जीन खुदा का वास मुझे यहां से निकालो, अब जीन। कितनी बुरी हालत इस बेचारे की, क्यों ना हो, इसने अपने बाप को कत्ल किया है, तभी तो अल्लाह ने इसे कीड़ा बना दिया है। नाश्ता करें, आज
रूटीन से ज्यादा स्माइल कर रहे हैं आप। क्या हुआ, कोई खास बात है? आज का दिन बहुत खास है। हमारी एनिवर्सरी तो नहीं है, आपके आपकी बर्थडे भी नहीं है। समझो बर्थडे ही है। मौसम नहीं जैसे भी हो।